सो गाइज, अगर आप लोग आईफोन यूज़ करते हो एंड कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट हो चुका है आपके आईफोन से, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे किसी भी आईफोन से या डिलीटेड डेटा को बेसिकली रिकवर कर पाओ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है बेसिकली आईफोन से डेटा रिकवर करना, लेकिन आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। पूरा डिटेल में मैं आपको आज के इस वीडियो में यार मेथड बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करना है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो हमारे फ्रेडेक्स चैनल में तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। राइट गाइज, तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है कूलमास्टर। इसका लिंक मैं आपको डाल दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लोग लिंक के अंदर क्लिक करोगे गाइज, तो कुछ ऐसे इंटरफेस दिखता है इनका जो साइड है। तो अभी फिलहाल आपको ये जो ट्राई फ्री वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें क्लिक करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। ओके, ये बेसिकली सपोर्ट करता है विंडोज़ 10, 8, 7, 11। ओके, सॉफ्टवेयर को ओपन करने पर कुछ ऐसे इंटरफेस दिखता है, आप लोग देख ही सकते हो। iOS रिकवरी एट फर्स्ट, इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको मिलता है iOS असिस्टेंट, एंड्रॉयड असिस्टेंट है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एंड्रॉयड डेटा रिकवरी भी बेसिकली आप लोग कर सकते हो, एंड्रॉयड बैकअप एंड रिस्टोर का भी ऑप्शन है, मोबाइल ट्रांसफर भी आप लोग कर सकते हो, इसके अलावा iOS इरेजर। लेकिन अभी हमारा काम है बेसिकली iOS रिकवर, यानी गाइस यहाँ पे आईफोन से डेटा को रिकवर करना है। तो सिंपली इसके अंदर आप लोग एक बार से क्लिक कर लेना। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आता है। तो इसमें गाइस क्या है कि यार आप लोग रिकवर फ्रॉम आईटून बैकअप फाइल भी कर सकते हो। ओके, इसके अलावा नीचे आपको ऑप्शन मिलता है रिकवर फ्रॉम आईक्लाउड, तो ये भी काम आप लोग कर सकते हो। नीचे आपको मिलता है एक टूलकिट का ऑप्शन। तो इन लोगों का और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है जिसका मदद से आप लोग और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हो, लेकिन गाइस हमारा अभी काम है बेसिकली डेटा रिकवर करना आईफोन से। तो इसमें क्लिक करने के बाद अभी फिलहाल आपको अपना आईफोन कनेक्ट करना है अपने पीसी के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने फिलहाल कनेक्ट कर दिया है इसको, एंड यहाँ पर जैसे आप लोग कनेक्ट करोगे गाइस, देन यहाँ पर जस्ट तुरंत ही सब कुछ आ जाता है। लाइक यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट मैसेजेस या फिर गाइस यहाँ पर जो भी ऑप्शन है आपके आईफोन के अंदर में गाइज, यहाँ पे जो भी डेटा है। ओके, लाइक यहाँ पे देखिए नोट्स है, सफारी के अंदर जो भी आप लोगों ने अगर डाउनलोड कुछ करके रखा वो भी शो करेगा, कैलेंडर के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलता है, वॉइस मेमो है, एंड गाइज यहाँ पे कैमरा रोल है, एंड फोटोज़ है, म्यूजिक है, वीडियोज़ है, एंड बुक्स, व्हाट्सअप, अगर कोई डेटा आप लोग लॉस्ट कर चुके हो गाइज ये भी बेसिकली रिकवर कर सकते हो, व्हाट्सअप अटैचमेंट भी है। तो यहाँ पे क्या है कि गाइज आप लोग अनटिक कर सकते हो, लाइक यहाँ पे मान लीजिए मुझे कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए। ओके, लेकिन गाइज यहाँ पे क्या है कि मुझे ओनली चाहिए यहाँ पे फोटोज एंड वीडियो या फिर गाइज यहाँ पे सम म्यूजिक्स वगैरह, तो ये सब को यार आप लोग कर देना अनचेक। तो यहाँ पे मैं कर दिया अनचेक, एंड यहाँ पे मुझे ओनली चाहिए अभी फिलहाल आप लोग देख ही सकते हो समथिंग लाइक यहाँ पे वीडियोस एंड यहाँ पे फोटो को रखता हूँ, एंड सबको यहाँ पे मैं कर देता हूँ यार अनचेक। यहाँ पे सबको अनचेक करने के बाद एंड गाइज यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी आप लोगों को जरूरत है। उसके बाद स्टार्ट स्कैन के अंदर क्लिक करना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्कैनिंग चालू हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टाइम लगता है तो आप लोगों को गाइज यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो धीरे धीरे करके मेरा जितना भी यहाँ पे डिलीटेड फोटोज या फिर गाइज यहाँ पे जो भी वीडियो वगैरह था ये आने लगा है। ओके, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो गाइज, तो आप लोग देख ही सकते हो बेसिकली साइड में फोटोज एंड म्यूजिक का ऑप्शन है, तो आप लोग सिंपली सिलेक्ट करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी फिलहाल फोटो को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे म्यूजिक को भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए रिकवर टू कंप्यूटर वाला जो ऑप्शन है राइट साइड में बिल्कुल से नीचे, इसमें क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में गाइज आप लोग इसको बेसिकली रिकवर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी फिलहाल एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर 3 करके, एंड इसके अंदर मैं अभी फिलहाल इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो इसमें भी थोड़ा बहुत आप लोगों को टाइम लग सकता है टोटली रिकवर होकर गाइज यहाँ पे रिस्टोर करना, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे वेट करना। तो आप लोग देख सकते हो सो इन फोल्डर कर सकते हो 100% होने के बाद, तो मैं अभी फिलहाल करता हूँ सो इन फोल्डर, एंड चलिए मैं एक बार से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ है या फिर नहीं जो भी डेटा हम लोगों ने लॉस्ट किया था इससे पहले। तो आप लोग गाइज यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जितने भी अभी फिलहाल हम लोगों ने रिकवर किया ये इजीली यहाँ पे मेरा रिस्टोर में इसको कर पाए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे रिकवर भी हो चुका है। ओके, काफ़ी इजी टू यूज़ है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा करना होता है। लाइक आप लोग जस्ट यहाँ पे अपने आईफोन को कनेक्ट कीजिए अपने पीसी के साथ, एंड देन आप लोग इजीली किसी भी यहाँ पे डेटा को बेसिकली रिकवर कर पाओगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली इसको कर देता हूँ ओके, एंड यहाँ पे इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलता है जैसे कि यार मैं आप लोगों को बताया। एंड अगर आप लोग गाइस परचेस करना चाहते हो इनका यहाँ पे प्रीमियम वर्जन, तो आप लोग देख ही सकते हो लाइफ टाइम लाइसेंस है, 1 ईयर लाइसेंस आपको मिलता है। अगर आप लोग बिजनेस पर्पस इसको यूज़ करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।